आपको बताने वाला हूँ, लेट नाइट स्टडी। अब आप बोलोगे भैया मैं वो बच्चा हूँ जिसकी रात को ही पढ़ाई होती है, तुम्हारे सामने जो ये भैया बैठा है ना वो उस कैटेगरी का प्रिंसिपल है, राइट? मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो मैं ही तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगा। हॉस्टल के दौरान शायद ही ऐसी रात रही होगी जब मैं मतलब सोया हूँ, वो तब हुई होगी जब मैं ढाई दिन से नहीं सोया, दो रातें हो गई, तब जाके तीसरी रात को अपने आप आंखें बंद हो रही हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बाय फैक्ट बताता हूँ, अगर आपने लेट नाइट स्टडी की है आपकी दिन जितनी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। पर बच्चों को पता है ऐसा क्यों लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी है? इसलिए क्योंकि वो 9 बजे खाना खाएंगे, डिनर कर लिया आपने, 9:30 तक वो खाना पचता है, थोड़ा थोड़ा लेजीनेस होता है, 10 बजे वो पढ़ने बैठेंगे, 10 से लेके 12 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सबको अच्छा लग रहा है और सबको लग रहा है कि यार इसी माहौल से है ना मैं पढ़ता जाऊंगा मजा आएगा। मम्मी 12 बजे तुम्हारी सो गई, मोस्टली सो जाती है, या 1:30 बजे के बाद गोपी बहू आनी बंद हो जाती है तो मम्मी भी सो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है यार, टाइम बीत गया, डिनर किया था 9 बजे, आपको लग रही है 1 बजे भूख लगी, आप क्या करोगे? किचन, मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे, किचन, मैगी ढूंढोगे, सबसे सस्ती मैगी बनती है कम समय में, 2 मिनट की मैगी नाम की है, मिनिमम 20 से 25 मिनट लगाओगे, गारंटी बोल सकता हूँ। फिर आप सोचोगे यार जब मैं मैगी खा रहा हूँ तो इस टाइम पढ़ूंगा थोड़ी ना, थोड़ी सी देर के लिए यूट्यूब खोल लेता हूँ, या थोड़ी सी देर के लिए मूवी डाउनलोड करी थी इसको देख लेता हूँ। थोड़ी देर में मैगी खत्म हो जाएगी पर मूवी तो जनाब चल रही है, अब मूवी को बीच में छोड़ के जाए, ओहो ऐसा पाप थोड़ी ना करेंगे, ये मूवी कंटिन्यू होगी, पता भी नहीं चलेगा 1 के कब 3 बज गए। फिर क्या होता है यार, हमारा दिमाग में डोपामीन होता है, डोपामीन मतलब सस्ते नशे, राइट? डोपामीन मतलब दिमाग के सस्ते नशे। तो जैसे ही आप कोई फन चीज करते हो ना यार, आपका डोपामीन लेवल राइज हो जाता है, अरे मैं मूवी देख रहा हूँ। कभी ऐसा फील हुआ है, एक टीवी सीरीज आपने देखी उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जब तक खत्म नहीं हो रही सारी की सारी देख रहे हो? हमने किया ये कॉलेज में, राइट? आपने भी किया होगा कुछ नहीं, एक्चुअली हमारे पास 12th में इतना नेट नहीं था कि हम कर सकें, पर कॉलेज में हमारे पास भी आ गया था, आजकल 11वीं 12वीं के बच्चों के पास भी आ गया, जो कि एक श्राप है, राइट? ये श्राप से बाकियों को पीड़ित होने दो, अपने ऊपर मत लेने दो। इतनी चीज को रियलाइज कर यार, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है ना, तो सोच अगर आज के दिन ऐसी टीवी सीरीज आ रही है तो कॉलेज के दौरान कितनी मस्त मस्त आएंगी। तो क्या चाहता है, एक महंगे और नीचे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है, और एक अच्छे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है? अच्छे कॉलेज में देखेंगे, आज से 10 साल बाद क्या मस्त मस्त टीवी सीरीज आएगी। मैं बोलता हूँ लैपटॉप में नहीं, जाके एक अच्छे सिनेमा में देख के आएंगे, जहाँ पे एक टिकट 2000 की होती है, मोटी मोटी सीटें लगी होती है, कौन सा अच्छा लग रहा है? या घर में होम थिएटर बना लेना, ज्यादा पैसे कमाते हो तो, है ना? क्यों उस 10,000 रुपए के मोबाइल या 30,000 रुपए के लैपटॉप में, जब माँ बाप ने पैसे लगा रखे हैं 12वीं के ऊपर, हम क्यों उस छोटे से सस्ते नशे के लिए अपना पूरे आने वाले 40-50 साल के मजे खराब करें? अबे हाँ या ना, अबे गुजरात से नहीं हो पर इतना हिसाब तो हम भी समझते हैं। यस, तो जनाब रात को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3 बजे अब आपका डोपामिन हाई हो चुका है, आप ओहो अब बुक किताबें हैं वहां सड़कों पे, राइट? किताब इज लाइक कि आपने एक बंदे को थोड़े से सस्ते नशे करा दिए और उसके बाद उसे बोल दिया कि भाई चल ले कानून की किताब पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा, दिमाग बोलेगा मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सो जाऊंगा। तो आप नहीं पढ़ते हो, नोटिस करना, आप नहीं पढ़ोगे। आपको लगा 10 से 12 अच्छी पढ़ाई करी पर जनाब उसके बाद जो 4-5 घंटे थे वो उड़ गए, इनमें प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे रही होगी, और 2 भी मैं ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ। पर आप जब दिन में जगे होते हो ना तो तुम्हारी मम्मी भी साथ में होती है, और मम्मी का वो है ना, सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, या पापा जो भी घर में रहते हैं, राइट? तो तुम उठोगे भाई 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, मम्मी सुबह उठेगी, एक अच्छा सा नाश्ता, ब्रेड बटर दही रोटी कुछ भी देंगी, खाया फिर तुम पढ़ोगे, मम्मी की एक आंख तुम्हारे ऊपर पूरे दिन है, लंच करोगे उसके बाद एक आंख फिर से पूरे दिन है, क्लासेस हो रही है। तो जनाब दिन में जो प्रोडक्टिविटी है वो रात को नहीं है, क्या चीज क्लियर है? अब तीसरी चीज के ऊपर आते हैं, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का मेरा मतलब क्या है, आपके यार एक ड्यूरेशन डिफाइंड होना चाहिए जिसके दौरान आप सोओगे बेटा। अब मैंने कहा स्लीप साइकिल की जब हम बात करें, तुम चाहे 12 बजे सो, 1 बजे सो, पर अपना डिफाइन करो कि 12 से 1 रोज सो जाऊंगा मैं, और सुबह 7 से 8 के बीच में उठ जाऊंगा। कितने घंटों की नींद अच्छी होती है? 6 से 8 घंटों की नींद अच्छी होती है। कॉलेज में मैंने 18 घंटे भी काम किया, पर यार एक चीज होती है कि 18 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ रहे हैं,
वो 15.5 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ ही नहीं रहे थे, वो प्रेशर था। तो आप बहुत इनपुट डाल रहे हो। सबसे पहले क्या है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया यार कि हम 10 घंटे भी पढ़ के यूं सोचते हैं कि कम पढ़े, ये फैक्ट है। आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो यूं सोचते हो आज तो बहुत ही गंदा दिन चला गया। आप 6 घंटे पढ़ते हो तब भी सोचते हो ओ हो क्या कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। 2003-4-5 के क्वेश्चन देखे AI EEE में जो आते थे वो बहुत आसान होते थे, आज के दिन बहुत लेवल थोड़ा हाई गया उसके कंपैरिजन में, राइट। तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना है कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, गुड। एक पॉजिटिव थॉट दिमाग में रखनी है, नेगेटिविटी को तो आग लगा दो जाके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।